सोनपुर मेले का भगवान विष्णु से है संबंध, जानिए मेले का इतिहास और इसके उत्पत्ति की कहानी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला लग चुका है। इसे देखने दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। बिहार में ये मेला एक तरीके से अस्थायी पर्यटन स्थल का रूप धारण कर चुका है। मेले की अपनी खासियत है और पहचान है। आपने कई बार इस मेले के बारे में सुना होगा। आज हम आपको सोनपुर मेले के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे, जो इस मेले को और भी खास बनाता है। सोनपुर मेला जिस जगह लगता है, उस स्थान को गजेंद्र मोक्ष स्थल के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान विष्णु से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा से संबंधित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार एक हाथी और एक मगरमच्छ के बीच संघर्ष हुआ था। गज यानी हाथी जब पानी पीने के लिए कुनहारा घाट पर आया तो उसे ग्राह यानी मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब गज कमजोर हो गया तो उसने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। इस युद्ध को कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से समाप्त किया था। इस घटना के कारण इस स्थान को गजेंद्र मोक्ष स्थल कहा जाता है और तभी से यहाँ पशुओं की मान्यता बढ़ गई और आगे चलकर इस जगह पर पशु मेले का आयोजन होने लगा। यहाँ का मंदिर हरिहर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन मंदिर में सैकड़ों भक्त पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि माँ सीता स्वयंवर के समय इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान राम ने किया था। सोनपुर मेले को हरिहर क्षेत्र मेला और छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। मेले की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में कोई खास सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई लोग इसे उत्तर वैदिक काल से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसे शुंगकालीन मेला भी बताते हैं। इस काल के कई पत्थर और अवशेष सोनपुर के विभिन्न मठों और मंदिरों में पाए गए हैं, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। सोनपुर मेला इस वर्ष 13 नवंबर से शुरू हो चुका है और 14 दिसंबर तक चलेगा, यानी 32 दिनों तक मेला रहने वाला है। इस दौरान मेले में कई गतिविधियां और आयोजन होंगे, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। सोनपुर मेला अपनी प्रसिद्धि खासकर पशु मेला के रूप में प्राप्त करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की खरीद बिक्री होती है और देश के कोने कोने से लोग इस मेले में भाग लेने आते हैं। पहले इस मेले में हाथियों और घोड़ों की खरीदारी का प्रमुख आकर्षण हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, घरेलू सामान और अन्य वस्तुएं भी बिकती थी। विदेशी पर्यटक भी इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। सोनपुर मेला न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के लोगों के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। ये मेला न केवल एक पशु मेला है, बल्कि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। गजेंद्र मोक्ष स्थल और हरिहर मंदिर के कारण ये मेला विशेष रूप से आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको सोनपुर मेला में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।